चल जीप निकल, जीप निकल। ब्रेक से मार, जल्दी मार, पिलर के पीछे खड़ा है। ओके ओके, पिलर के पीछे मार, देना कुछ रहेगा तो। अरे मार उसको पिलर के पीछे, कुछ कर, कुछ है क्या? ग्रोसर से साइड से जा, साइड से जा, ये ले मेरे पास मेडिकल ले जा, जा जा सामने 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 गोली तो मार। कहा क्या हुआ? 500 रुपीज दे। इसलिए अपनी शर्त लगी थी और वो शर्त मैं जीत चुका हूँ। अब तू मुझे 500 रुपीज देगा, चल निकाल। जस्ट गेट लॉस्ट। जब देखो तब मेरे बेटे के साथ लड़ता रहता है, वीरेन नाम है उसका। ये सब क्या बकवास है सर? इसने, इस जंगली लड़के ने पहले मेरे बेटे को मारा था। ये कोई तमीज है बात करने की? तमीज? तमीज ना मुझे मत सिखाओ, अपने इस बेटे को सिखाओ। अब होती कौन है ये कहने वाली कि हम अपने बेटे के साथ क्या करें? देख रही हूँ क्या कर रहा है वो। परवरिश के बारे में तो आप ना ही बोलो तो अच्छा है। अब अपने बेटे को तमीज सिखाओ पहले। मैं मेरे बेटे को जानती हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग समझदार लोग हैं, ऐसे लड़ रहे हैं बच्चों की लड़ाई में, अच्छा लगता है क्या? और तुम दोनों ये ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में एक दूसरे से लड़ाई करना बंद कर दो। अगर दोबारा एक दूसरे पे हाथ उठाया ना फिर एक्शन लूंगा मैं, समझ गए? प्लीज आप लोग अपने अपने घर ले जाइए। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने, एक औरत, एक एक्ट्रेस, एक निर्देशिका, एक गृहिणी, एक पत्नी और उन सब से ऊपर जो इम्पोर्टेंट रोल मैं निभाती हूँ वो है एक माँ का। मैं क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय गुमराह बचपन में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक पुरानी कहावत है, कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, बस उसकी लत बुरी होती है। आज के समय में जहाँ बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने की लत है, जिसकी वजह से बच्चे वास्तविक दुनिया से परे एक अपनी ही दुनिया बना लेते हैं, ऐसे में पेरेंट्स को उनके व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत है। एक आंकड़े के मुताबिक 82% किशोर प्रति सप्ताह 16 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने में बिताते हैं, और जो बच्चे अपना ज्यादा समय वीडियो गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेलने में निकालते हैं, वो बाकी बच्चों की तुलना में ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा गुस्से वाले और कई बार वायलेंट होने लगे हैं। इन गेम्स ने छोटे शहरों से लेकर गांव तक के बच्चों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। शायद गांव में माता पिता समझ नहीं पाते कि उनका बच्चा क्या खेल रहा है, लेकिन शहरों में माँ बाप जानकर भी कुछ नहीं कर पाते। पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि बच्चों के ऐसे आक्रोश वाले बर्ताव का क्या कारण है, और वो समझ ही नहीं पाते कि सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी है, और तब तक धीरे धीरे ये लत एक खतरनाक रूप लेने लगती है, इतना कि इससे रिश्ते खराब होने लगते हैं। मार दे साले को। अरे रुक क्यों गया, काटना उसको, खून बहना चाहिए, मार उसको मार। वीरेश क्या कर रहा है तू? 12:30 बज चुके हैं, स्कूल है कल, बंद कर दे ये गेम। हाँ मैं बस ये होते ही बंद कर दूंगा। वीरेन सुन नहीं रहेगा मेरे बात? अरे मामा नहीं नहीं नहीं, सुन अभी ठीक है, थोड़ी देर में सो जा। हाँ हाँ हाँ। अरे राइट से फ्लैंक मारना, क्या कर रहे? गो 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 फास्ट, गो फास्ट। अच्छा हाँ, रुक 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 रुक, लेफ्ट 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 लेफ्ट। Why are you hurting yourself? ये सब क्या पागलपन है? बताओ तुम्हारे पापा को। Stop the game. नहीं मामा प्लीज, पापा को मत बताना, और मैं ऐसा गेम बीच में नहीं छोड़ सकता, मेरी लेवल लो हो जाएगी। चुपचाप गेम बंद करो और सो जाओ, सुबह के 4 बज रहे हैं। मम्मी बस 5 मिनट प्लीज। अरे जाना तू, आजा 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 आगे जाना। गो 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 फास्ट, गो फास्ट। क्या अंजलि क्या है ये सब? मतलब ब्रेकफास्ट में एग्स भी नहीं मिलेंगे, और तुमने वैसे भी नॉनवेज बनाना बंद कर रखा है। आप जानते हो ना घर के हालात क्या हो गए हैं, अचानक फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई है, ऐसे में डेली नॉनवेज कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? अब हम इतने गरीब हो गए हैं कि नॉनवेज और प्रोटीन भी नहीं खा सकते। कनिका अंश, तुम लोगों के टिफिन बैग में रख दिए हैं।
हाय डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डैडी। माय डॉल। ब्रेकफास्ट किया? हाँ कर लिया, पर आई विल हैव वन बाइट। ओके। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। बाय अंश। संभल के जाना और हाँ जाते जाते दरवाजा बंद कर लो। मोनू आके जरा किचन में हेल्प कर दे। जी। हेलो, पैसा कब दे रहा है मेरा? देता हूँ ना जल्दी। ये तो हर बार बोलता है, समझा? 50 लाख लिया तूने, 50 लाख। कोई हलवा नहीं है। अभी अभी तेरी बेटी स्कूल के लिए निकली है ना, देख कहीं ऐसा ना हो कि वापस कभी आए नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। कैसी बात कर रहे हो दामोदर? मैं बोला ना जल्दी देता हूँ। बता कहाँ छुपाए पैसे तूने? बोल, एक गड्डी गायब है। मम्मी पापा प्लीज अब बस भी कीजिए, हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं रह सकते हैं क्या? बाकी सब भी तो रहते हैं ना, और ये क्या इतनी बड़ी बात है कि आप इतना ज्यादा झगड़ रहे हैं? I'm sorry बेटा, relax। कनिका, कनिका, कनिका बेटा क्यों रो रही है? कोई प्रॉब्लम है तो बताना मुझे। प्रॉब्लम? अमेजिंग, आप और पापा हमेशा लड़ते रहते हैं। आप मोनू को भी मार रहे थे और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी क्या प्रॉब्लम है? कनिका बेटा, पापा के बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है और उसी की वजह से पैसों की तंगी है। तो मम्मा, आई एम नॉट अ किड, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैंने आपको अपनी ज्वेलरी बेचते हुए देखा है, और ऐसा कब तक चलेगा? मैं कोई जॉब कर लेती हूँ ना, आपको भी हेल्प होगी। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो तुझे बता दूंगी। एक बात तो आज को इसके बारे में मत बताना प्लीज। मम्मी अंश तो वैसे भी अपनी दुनिया में ही रहता है, और अब तो वो पहले की तरह हंसता मुस्कुराता भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो भी इस घर के एनवायरनमेंट से परेशान है। अरे मार 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 उसको, मार। अबे पीछे जा, पीछे जा। अरे धक्का देना उसको, ऊपर से नीचे गिरा उसका सर फट जाएगा। मार मार मार। हाँ रुक 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 रुक। राइट से जा, राइट से जा। मार दे उसको। मार 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 मार। कवर दे तो आगे जा। यस 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 यस। हार गए। चल पिज्जा ऑर्डर कर। पिज्जा? वो तो रेडी है। इधर आ, इधर आ। देखो एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को मार डालोगे तुम लोग। अरे बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। ये क्या ऑनलाइन स्टूपिड गेम्स के नाम पे एक दूसरे से मारपीट कर रहे हो? इतना जोश है ना अगर अंदर, तो क्रिकेट खेलो, स्विमिंग करो, हाइकिंग करो, कुछ करो, इंडिया के लिए गोल्ड लेके आओ। अपने माँ बाप को बार बार पुलिस स्टेशन में लेके आते हो, अच्छा लगता है? चलो सॉरी बोलो एक दूसरे को। सॉरी। सॉरी। शिकायत करो। देखिए मैं नहीं चाहता इन बच्चों का भविष्य खराब हो, आप इनको घर ले जाकर अच्छे से समझाइए। अगर ये हरकतें जारी रही तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन। चलो जाओ। तुझे तो मैं देख लूंगा बेटे। अबे जा जा, हिम्मत नहीं है तेरे में। सुना नहीं तूने इंस्पेक्टर अंकल ने क्या कहा तुझे? स्टुपिड से लड़के के चक्कर में तू जेल जाना चाहता है क्या? वो महारानी स्टुपिड होगा तेरा बेटा। बस कर, बहुत बोल चुकी है। हाँ ले अपने स्टुपिड बेटे को, निकल यहाँ से। निकल रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे। चल। हाँ हाँ देख लेना, जाओ। तूने लड़ाई क्यों की? मम्मी वो गेम हार चुका था और उसे मुझे पिज्जा की ट्रीट देनी थी, उसने मना कर दिया, फिर हमारी आर्गुमेंट हो गई और फिर लड़ाई भी हो गई। अच्छा, इसका मतलब तूने एक पिज्जा के लिए ये सब किया? आप भी ना, उसे हरा के पिज्जा खाने का मजा ही कुछ और है। मुझे तेरे कोई बहाने नहीं सुनने हैं। अगर एक घंटे में तूने मुझे पैसे नहीं लौटाए ना, तो अपनी बेटी की मैयत का इंतजाम कर लेना।
दामोदर भाई मम्मी वो कार में पापा ही थे ना? पर पापा तो पुणे गए थे ना? हो सकता है वापस आ गए। अच्छा चल मैं तुझे पिज्जा खिलाती हूँ। चले गए मोनू भैया मैं कब से यार हाँ दीदी वो मैं बाथरूम में था ना इसलिए बोलिए। अच्छा अब पता चला कि पापा के पैसे किसने चुराए? तुमने ही चुराए ना पैसे? नहीं दीदी मैंने नहीं चुराए। अच्छा तो ये क्या ये सब? नहीं दीदी मैंने कोई चोरी नहीं की और ये पैसे यहाँ पे कैसे है मुझे नहीं पता। अच्छा मैं अभी जाके मम्मी को तुम्हारे दीदी सुनिए ना दीदी ऐसा मत करना मेरी नौकरी चले जाएगी। मैं अभी जाके बताती हूं। दीदी सुनिए ना दीदी ऐसा मत कीजिए। नहीं छोड़ो क्या कर रहे हो तुम? सुनो दीदी अरे कहीं कनिका का पिज्जा ऑटो में तो नहीं छूट गया? ये रहा मम्मी मेरे हाथ में ही है। अरे ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? आज तो मोनू की खैर नहीं। मोनू दीदी कनिका दीदी मम्मी आपका दुख मैं समझ सकता हूँ लेकिन हमें कुछ जानकारी चाहिए होगी। आपको किसी में शक है? मोनू सर्वेंट था हमारा वो भी गायब है। ये मोनू के आधार कार्ड की कॉपी है उसका फोटो और उसका मोबाइल नंबर। मोनू पिछले कुछ टाइम से 50,000 रुपए मांग रहा था। कह रहा था बिहार में उसका कोई घर है और उसे उसकी मरम्मत करानी लेकिन हमने पैसे देने से मना कर दिया। उसके बाद घर से अचानक अलमारी से पैसे गायब होने लगे। हमने उससे कई बार पूछा सख्ती से लेकिन उसने हर बार मना कर दिया कि उसने पैसे नहीं चुराए। और अब उसने मेरी गुड़िया को शिरके मोनू का लुकआउट नोटिस जारी करो और आसपास के सीसीटीवी में जितना भी फुटेज है सब कलेक्ट करो। ये सब करने से क्या होगा? मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी ना। दीपक मामा मेरी कनिका चली गई। हमको बेटा ये 500 का नोट हमारे एविडेंस बैग में है। हाँ सर इसे डीएनए के लिए भेज दिया है। सर मोनू का फोन अभी तक स्विच ऑफ है हालांकि हमने उसे लुकआउट नोटिस पर जारी कर दिया है। सीसीटीवी सर घर के बाहर एक कैमरा मिला है फुटेज चेक हो रही है। जल्दी करो। ठीक है सर। पापा आपका फोन बज रहा है नंबर सेव नहीं है। फोन पिक कर लो बेटा। मैंने तेरी बेटी को मारा है तो अगला नंबर तेरे बेटे का होगा। मैं उसे किडनैप करूंगा और उसे मार दूंगा। किसका फोन है? किसका फोन था? पता नहीं वो रॉन्ग नंबर था शायद। सर
कनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में हुई है। उसकी मौत का कारण ट्रॉमा और एक्सेसिव ब्लड लॉस है। और ये काम मोनू का है तभी इतनी ब्रूटालिटी दिखाने की क्या जरूरत थी। सर, घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। बारह दस पे मोनू अपना बैग लेके घर से बाहर निकलता है और उसके कुछ मिनट के बाद ये तीन लोग घर के अंदर आते हैं। 12:25 पे ये तीनों भी घर से बाहर निकल जाते हैं और लगभग 1 बजे के आसपास कनिका की माँ और उसका भाई वापस घर में आते हैं। मतलब कातिल मोनू या इन तीनों में से ही कोई है। 12:25 से दोपहर के 1 बजे तक 35 मिनट, इन 35 मिनटों के दौरान क्या हुआ था? नहीं सर, हम नहीं जानते ये लोग कौन है। कम से कम अब तो सच बोल दो साहिल, अपनी बेटी के कातिलों को पकड़वाने के लिए अब तो कम से कम इनकी मदद करो। सर, मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, तभी मार्केट में online.com का बिजनेस का जोर पकड़ा हुआ था। मैंने सोचा मैं भी इन्वेस्ट कर दूं। फिर मैंने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से हाई इंटरेस्ट पे 50 लाख रुपए उठा लिए। शुरू में उनके पैसे सही समय पर दे रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया और मैं उनके पैसे सही टाइम से लौटा नहीं पा रहा था। इसीलिए उस फाइनेंस कंपनी के मालिक दामोदर और उसके लोग मुझे पैसे वापस देने के लिए धमकी दे रहे। लास्ट टाइम कब दी थी उन्होंने आपको धमकी? उसी दिन जिस दिन मेरी बेटी का मर्डर हुआ। अगर 1 घंटे में तूने मुझे पैसे नहीं लौटाए ना, तो अपनी बेटी की मैयत का इंतजाम कर लेना। सर, मैं पिछले 3 महीने से अपनी फैमिली से झूठ बोल रहा हूँ कि मैं बिजनेस ट्रिप से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं जाता हूँ। शहर से बाहर किसी छोटे मोटे लॉज या होटल में कमरा लेकर रहना पड़ता है मुझे दामोदर के डर की वजह से। आप इस दामोदर का नंबर दीजिए और अगर दामोदर का फिर से कॉल आए तो तुरंत हमें बताइए। ये 500 रुपये उन 50 लाख की निशानी है जो साहिल को दामोदर को लौटाने थे। दामोदर अपने आदमियों के साथ 10 मिनट तक घर में था, उसी ने मारा होगा। सर, ये दामोदर का तो फोन लग ही नहीं रहा है। लगाते रहो, ये दामोदर मुझे किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है सर। तू ठीक तो है ना बेटी? हाँ, पता है, ऐसा लगता है जैसे कनिका अभी भी मेरे आसपास है और अभी मुझे पुकारेगी मम्मा मम्मा करके। बेटी, कोई काम था तो दीपक को बुला लिया होता। माँ, ये मेरी ज्वेलरी है, आप प्लीज इसे अपने पास रखोगे? मेरे घर पे ये सेफ नहीं है। क्यों नहीं बेटा, यहाँ रख दे, मैं सब समझती हूँ। दीपक, इसे संभाल के रख देना। हाँ दीदी, अब बिल्कुल टेंशन मत लो, ये यहाँ पर सेफ रहेगा। रुक 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 रुक, मैं तो इसको लेने स्कूल ही जा रहा था। और कैसी माँ हो तुम, अपने बेटे की फिकर है या नहीं? पर हुआ क्या? अरे ये क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है, इसके टीचर ने इसे मोबाइल पे गेम खेलते हुए पकड़ा है। पर मैं तो इसे अभी स्कूल से ही लेकर आ रही हूँ। अरे ये हम सबको उल्लू बना रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अंश, तूने प्रॉमिस किया था ना कि तू मोबाइल गेम्स नहीं खेलेगा। इसका प्रॉमिस? अंश, तू जानता है ना कनिका दी नहीं रही, बस तू ही हमारा सहारा है। क्यों परेशान करता है मम्मी पापा को? छोड़ देना मोबाइल गेम्स खेलना, पढ़ाई भी चलते, प्लीज प्लीज। ब्रो, मैंने एक ही ग्रेंड से 20 लोगों का सफाया कर दिया, जैकपॉट। मम्मी क्या ढूंढ रही हो? क्या है ये? क्या है? इसे ढूंढ रही हो जिसे तूने सिर्फ चुराया ही नहीं बल्कि ऐसे बेकार से गेमिंग साइट पे 85,000 का खर्चा किया तूने? सोचे अब तू। मम्मी, वो गेम का पहले का भी बिल भरना था, सॉरी। इसके आगे तूने वापस ऐसा कुछ किया ना तो ये मोबाइल तोड़ के फेंक दूंगी मैं, समझ गया तू? और ये क्रेडिट कार्ड अब से मेरे पास रहेगा। मम्मी नहीं, अरे मम्मी, मैं बिना पैसों के गेम कैसे खेलूंगा? सर, ये देखिए, हमें कनिका के फोन में ये वीडियो मिला है सब। और ये देखिए,
मैसेज भी है कि अगर ये बात कनिका ने किसी को भी बताए तो दूसरा वीडियो जो बनाया है उसे वायरल कर दिया जाएगा। इस पे कनिका ने रिप्लाई भी किया है सर। कनिका के मर्डर वाले दिन यानी 20 तारीख को सुबह 11 बजे मैसेज भेजा गया है, यानी कनिका के मर्डर से ठीक एक घंटा पहले। बीरेन ने कनिका को मारा होगा। क्या उम्र है तेरी? सर 19 साल। सर मैं मानता हूँ कनिका के साथ मैंने 2 बार बदतमीजी की थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर, सर कसम से। 2 बार? दूसरी बार कब की थी बदतमीजी? 20 तारीख को। तो उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब। कनिका ने तुझे वार्निंग दी कि वो पुलिस के पास जाएगी, इसलिए उसे मार दिया? नहीं सर, सर मैं बात करने जाने वाला था, पर तब तक आई गॉट द न्यूज़ दैट शी वाज मर्डर, तो मैं चुप हो गया। इसके फिंगरप्रिंट्स लेके मर्डर वेपन से वेरीफाई करके देखो। पुलिस को बीरेन, मोनू, दामोदर और दामोदर की गैंग, यहाँ तक कि कनिका के पिता साहिल पर भी शक था। ये फिंगरप्रिंट्स ना ही साहिल से मैच हुए और ना ही बीरेन से। पुलिस को बीरेन को छोड़ना पड़ा। पुलिस को अभी भी मोनू और दामोदर के फिंगरप्रिंट मैच कराने थे, लेकिन इन दोनों के बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं थी। पुलिस ने मोनू के गांव में भी चेक किया, पर मोनू वहां नहीं आया था। और कनिका के पेट पर जो कट का निशान था उसके लिए पुलिस ने फोरेंसिक की मदद ली, जिसके बाद केस में एक बहुत ही चौंका देने वाला मोड़ आया। भागा क्यों था रे? सब भागा इसलिए था कि उस दिन वो कनिका। क्या ये सब? नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं अभी जाके मम्मी को बता दूं कि ये पैसे तुमने चुराए। दीदी सुनिए ना, दीदी ऐसा मत कीजिए। नहीं छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? सुनो दीदी, इसने कनिका को मार दिया? मैंने कनिका को नहीं मारा साहब। साहब उस दिन वो मैट्रेस के नीचे जब पैसे मिले वो देख के मैं खुद हैरान था साहब, मुझे कुछ सूझा नहीं साहब। फिर मैंने वो पैसे उठाए, वहाँ से भाग गया साहब। मुझे पता था आप मेरे गांव जाके चेक करोगे, इसलिए मैं गांव नहीं गया और मुंबई में ही लोकेशन बदलता रहा। साहब तेरी मैट्रेस के नीचे पैसे का झाड़ लगा था क्या? किधर से आए पैसे? हाँ साहब, वो तो साहिल साहब ने रखे होंगे साहब मुझ पे इल्जाम आने के लिए। उन्होंने कई बार मैडम के अलमारी से भी पैसे चुराए और इल्जाम मुझ पर लगा दिया साहब। ये फिल्मी कहानियां सुनाना बंद कर दे। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। इसको तोड़ो जब तक सच नहीं बोलता है, नहीं। और इसके फिंगरप्रिंट लेके मर्डर वेपन से चेक करो। नहीं साहब। You want to play one-on-one? Let's do it. Now this time, no cheating. इस बार प्राइज होगा डबल चीज पिज्जा। हेलो। तेरे पति को मैसेज दे देना कि बेटी तो गई, अगर वो चाहता है कि बेटा जिंदा रहे तो मेरे पैसा लौटा दे। कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? पहले ही बोला था उसको, लेकिन वो मेरी धमकी हल्के में लेता है। पहले कब बोला? ज्यादा सीधा नहीं बनने का समझा? मेरे पैसा लौटा दे वरना तेरे बेटे को मार डालूंगा। पहले उसे किडनैप करूंगा फिर उसे मार दूंगा। Because of you, we lost our daughter और अब बोलो बेटे को मारने की धमकी दे रहे। मेरा विश्वास करो। I don't believe you. पहले ऐसा कोई फोन नहीं आया था। किसका फोन था? पता नहीं, वो रॉन्ग नंबर था शायद। सर, मेरा बेटा वीरेन मिसिंग है, पता नहीं कहाँ चला गया। सर प्लीज उसे ढूंढिए प्लीज। आप शांत हो जाइए, पहले बैठिए प्लीज। बैठिए।
अब बताइए। सर वो कल शाम से घर नहीं आया, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने उसके दोस्तों को फोन किया था जिनके साथ वो हमेशा घूमता है, उन लोगों ने कहा कि वो कल उसे मिला ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया सर, प्लीज प्लीज ढूंढिए उसे। ठीक है आप चिंता मत कीजिए, हम उसको ढूंढते हैं। तृप्ति इनसे वीरेन की सारी डिटेल्स ले लो। साहब ये और एक दूसरा लड़का है साहब, वो दोनों रोज आपस में लड़ते हैं, लेकिन कल वो दोनों नहीं लड़े। मतलब कल आपने इसे देखा था? हाँ साहब। यही था वो दूसरा लड़का? हाँ साहब यही था। पक्का ही था? यही दोनों थे। सर अंश और वीरेन ये दोनों साथ में ही थे। क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता अंश का? आप फादर है उसके, पता तो होना चाहिए। लेकिन मैं हर वक्त घर पे नहीं रहता। सर अंश घर में कहीं नहीं है। मैं अंजलि से पता करता। नॉट रीचेबल। ठीक है अंजलि जी आ जाए तो उनको कहिएगा कि हमसे बात कर ले, और अंश आ जाए तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर सर। कनिका के पेट पे जो रेक्टेंगल घाव था उसमें किसी गोल चीज का इस्तेमाल किया गया है। अगर घाव चाकू से बनाया गया होता तो घाव की लाइन सीधी होती जिसमें जिगजैग पैटर्न्स हो, जैसे कि पिज्जा कटर। पिज्जा कटर या कोकोनट स्क्रैपर। सर घाव की डायमेंशन 150 बाय 66 mm की है। मतलब इस 500 के नोट को कनिका के पेट पे रखे वो घाव बनाया गया था। चल के पिज्जा कटर के बारे में पता करता है। आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? सर मिल गया पिज्जा कटर। पर हमारे पास दो पिज्जा कटर हैं। बच्चे अक्सर पिज्जा खाते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। कनिका को हर चीज सही तरीके से रखने की आदत थी। देखिए आपकी बेटी के पेट पे जो घाव थे वो पिज्जा कटर से बनाए गए थे, और शायद कातिल ये दूसरा पिज्जा कटर अपने साथ ले गया था। तृप्ति इस पिज्जा कटर को फॉरेंसिक में भेजो और पूरे घर में देखो दूसरा मिलता है क्या। सर साहिल जी ने आपको बताया था हम अंश से मिलने आए थे? जी कहा था। आपने फोन नहीं किया? जी वो इस वक्त स्कूल में है, उसके बाद वो अपनी नानी के घर जाएगा। कनिका की डेथ के बाद से वो काफी डिस्टर्ब हो गया है, वहां रहेगा तो उसे थोड़ा चेंज मिलेगा। ठीक है सर। पूरा घर छान मारा लेकिन वो दूसरा पिज्जा कटर कहीं नहीं मिला। मुझे पता था मिलेगा भी नहीं, कातिल उसे अपने साथ लेके गया है। लेकिन सर कातिल ने बाकी के मर्डर वेपन तो यहीं छोड़े, फिर वो दूसरा पिज्जा कटर अपने साथ क्यों ले गया? स्कूल में फोन करके पता करो अंश वहाँ आया है या नहीं, या अंजलि पे नजर रखो, मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। ठीक है सर। आप कौन सी ज्वेलरी की बात कर रही हो दीदी? मेरी ज्वेलरी दीपक, जो मैंने तुम्हारे पास रखने दी थी। दीदी आपने मुझे कब दी ज्वेलरी और मैं आपसे क्यों लूंगा? माँ माँ देखो ना दीपक क्या कह रहा है। ठीक ही तो कह रहा है दीपक। माँ आपने ही तो मेरी ज्वेलरी दीपक के पास रखने दी थी। अरे बेटा लगता है तुझे कनिका के जाने का गहरा सदमा लगा है। माँ प्लीज ऐसा मत करो। माँ देखो दीदी आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूँ, मगर इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ दीदी। हे भगवान अब मैं क्या करूं? अब इसे क्या हो गया? हेलो सर। सर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के हिसाब से बैट और चाकू पे जो फिंगरप्रिंट है वो मोनू के नहीं है। सर
दामोदर का पता चल गया, उसको उठा के लेके आए। सीधे सीधे सब कुछ बता दे, देवगा एक ठेऊं। कनिका का मर्डर मैंने नहीं किया है, अरे उसका मर्डर का नाम लेके वो गुप्ता को डराना चाहता था ताकि वो मेरा पैसा वापस दे दे। झूठ बोल रहा है तू। तू और तेरे पंटर उस दिन उसके घर गए थे या नहीं? ओ साहब गए थे ना, मैं काम मना कर रहा हूँ ताकि हमको जो मिले सब लेके आए। पर वहां तो वहां जब पैसे नहीं मिले तो कनिका को मार दिया। साहब कितनी बड़ा सांगू, कनिका का मर्डर मैंने नहीं किया है। इसको अंदर ही रखो। सर कांस्टेबल पावर मैडम का फोन है, उनको अंजलि के बारे में कुछ बताना है। हेलो सर, दरअसल पहले मैंने आपसे झूठ कहा था, आज को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो लोग पैसों की मांग कर रहे हैं। मुझे अलग अलग नंबर से फोन आ रहे हैं, मेरी बची कुची ज्वेलरी बेचकर उन्हें 1.5 लाख रुपए दे चुकी हूँ, पर अब वो लोग और पैसे मांग रहे हैं। मेरी कुछ ज्वेलरी साहिल से छुपा कर अपने भाई के पास रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि साहिल ही पैसे और ज्वेलरी चुरा कर इल्ज़ाम मोनू पर लगाते थे। अब मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया है और मेरी माँ भी उसी का साथ दे रही है। प्लीज़ मुझे मेरी ज्वेलरी दिला दीजिए, मुझे अपने बेटे को बचाना है। अगर उन लोगों का दोबारा फ़ोन आया तो मैं क्या करूँगी? जिन जिन नंबर से आपको फ़ोन आते हैं वो सारी डिटेल्स दे दीजिए। कनिका को मारने के लिए इस्तेमाल हुए मर्डर वेपन पे दामोदर और उसके गैंग के किसी भी मेंबर के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। पुलिस ने दीपक को जेल भेजने की धमकी देकर अंजलि की ज्वेलरी वापस ले ली। अंजलि को आए रैंसम कॉल के बाद पुलिस ने अंजलि को कुछ मार्क किए हुए नोट दिए और पुलिस ने ब्लैकमेलर द्वारा बताई गई जगह पर छुपकर 8 घंटे तक इंतजार किया, पर ब्लैकमेलर नहीं आया। पुलिस ने ब्लैकमेलर द्वारा किए गए कॉल्स की डिटेल निकाली तो पता चला कि एक नंबर वीरेन का है और बाकी 2 नंबर चुराए हुए हैं। मुमकिन था कि शायद किसी ने वीरेन और अंश दोनों को किडनैप किया है, या फिर वीरेन ने अंश को किडनैप किया है, या मुमकिन है कि अंश ने वीरेन को किडनैप किया है और उसके फोन का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें से जो भी पॉसिबिलिटी हो, एक बात तो तय थी कि ये पूरा खेल वीरेन और अंश के इर्द गिर्द ही हो रहा था। अब सवाल था आखिर क्यों? सर वीरेन की फोन लोकेशन मिल गई है। वीरेन ने पिछले 2 दिनों में अपना फोन बहुत बार ऑन ऑफ किया है, वो भी अलग अलग लोकेशन से। और सर उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसने 1 कॉल अंजलि को किया है और बाकी के 2 कॉल गौतम नगर के 2 अलग अलग पिज्जा आउटलेट को। गौतम नगर शिरकिन पिज्जा आउटलेट्स पे जाके पता करो कि ये ऑर्डर जो उन्होंने प्लेस किया था कब कहाँ और किसको डिलीवर किया गया। अंश और वीरेन दोनों मिसिंग हैं, इन दोनों के पीछे कोई ना कोई कॉमन कड़ी है। सर आपका मतलब है उस ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग से? ऑनलाइन गेम्स याद है शिरकिन, जब दोनों को हमारे पास लाया गया था उस वक्त भी दोनों आपस में ऑनलाइन गेम्स को लेकर लड़ रहे थे। गायत्री से मिलना पड़ेगा। सर वीरेन अपने असाइनमेंट्स और स्कूल के काम लैपटॉप में करता है, गेम्स के लिए तो वो अपना मोबाइल यूज़ करता है। सर सर ये देखिए, 20 तारीख को एक गेमिंग साइट पे एक वीडियो अपलोड किया गया। 20 तारीख को कनिका का मर्डर हुआ था, जरा दिखाओ क्या है वीडियो में। अंजलि ने बताया था कि अंश और वीरेन लेवल 5 के लिए कम्पीट कर रहे थे, तो क्या ये 500 का नोट लेवल 5 चैलेंज के लिए था? आपके पास पिज्जा कटर है? सर आपको लगता है मेरा वीरेन ऐसा करेगा? नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो ये साबित करने का फिलहाल एक ही रास्ता है। इसका मतलब जिसने भी कनिका को मारा है उसे दुकान की CCTV के बारे में पता था और इसीलिए उसने दाखिल होने के लिए पिछला रास्ता चुना। और जहां तक बात है अंश और वीरेन की, आई एम श्योर दोनों में से किसी एक ने दूसरे को किडनैप किया है अगले लेवल पे कम्पीट करने के लिए, और इससे पहले कि कोई अनहोनी हो हमें दोनों को ढूंढना पड़ेगा। सर गायत्री के घर में हमें जो पिज्जा कटर मिला था उसमें ब्लड के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। हेलो कहां पे? ठीक है सर, गौतम नगर के पिज्जा आउटलेट का फोन था, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पिज्जा 1 किलोमीटर के रेडियस में डिलीवर किया था और दोनों बार पिज्जा रिसीव करने कोई लड़का आया था जिसने कैप पहनी हुई थी। कहीं ये दोनों तो डिलीवरी नहीं ले रहे, दोनों बहुत होशियारी से काम ले रहे हैं। सर वीरेन का फोन फिर से ऑन हुआ है पिज्जा का ऑर्डर देने के लिए और डिलीवरी DN नगर के बस स्टॉप पे मंगवाई है।
पिज्जा वालों को बोलो जब तक हम नहीं पहुंचते डिलीवरी होनी नहीं चाहिए। सर जो कोई भी है बहुत स्मार्ट है, डिलीवरी लेने खुद नहीं आया किसी और को भेज दिया। चलो दोबारा बुलाऊंगा तुझे, अब जा। मुझे पता है वीरेन ने ही कनिका दीदी को मारा है, क्योंकि वो तुम्हारी गेम का हिस्सा था और इसीलिए उसने वो वीडियो उस गेमिंग साइट पे अपलोड किया था। हाँ, वीरेन घर के पिछले दरवाजे से घर में घुसे, एक शाम पहले ही मैंने उस पिज्जा कटर का यूज किया था और वो वहां कहीं पड़ा हुआ था। उसने उसका इस्तेमाल लेवल 5 पे जाने के लिए किया एज अ सुवेनियर, लेकिन उसी पिज्जा कटर का इस्तेमाल मैंने उस पे किया। तो तुमने वीरेन को इसलिए किडनैप किया था कि तुम अपनी बहन की मौत का बदला ले सको? उसके लिए भी, लेकिन मुझे भी लेवल 5 तक पहुंचना था, इसलिए मैंने उसे काफ़ी दिनों तक जिंदा रखा ताकि मैं भी लेवल 5 के एंट्री पे अपना वीडियो अपलोड कर सकूं। आप लोग जब आए तब कुछ मिनट पहले ही मैंने अपना वीडियो अपलोड कर दिया था। तो तुम्हारी माँ को जो रैंसम के कॉल्स आते थे वो? ताकि मेरे पास भरपूर पैसे रहे। उस दिन मैंने आप लोगों को छुपते हुए देख लिया था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया था। फिर ये अपने आप को किडनैप करवाने का नाटक क्यों किया? वो आइडिया मुझे उस दिन आया जिस दिन मैंने पापा का फोन रिसीव किया था। मैंने तेरी बेटी को मारा है तो अगला नंबर तेरे बेटे का होगा, मैं उसे किडनैप करूंगा और उसे मार दूंगा। मैंने सोचा चैलेंज पूरा होने के बाद मैं घर पे वापस जाऊंगा और कहूंगा कि मैं वहां से भागने में कामयाब रहा। तब तक वो वीरेन जा चुका होगा और मेरे झूठ का पता कोई भी नहीं लगा पाएगा। बाकी सब कामों के लिए, पिज्जा डिलीवरी लेने के लिए मैंने एक चाय वाला लड़का रखा था। इतना सब कुछ एक ऑनलाइन गेम के इमेजिनरी लेवल पे पहुंचने के लिए, तुम्हारी समझ में आ रहा है कि ये एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट है? नहीं सर, इस वक्त सारे प्लेयर्स मुझे पागलों की तरह कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे होंगे। सर क्या मैं अपना अकाउंट चेक कर सकता हूँ प्लीज? सर हमने इस गेमिंग ऐप की कंप्लेंट साइबर क्राइम में कर दी है। 2021 में इंटरनेट और इंटरनेट गेमिंग में बच्चे इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि आज बच्चे घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, जबकि मोबाइल आने से पहले ऐसा नहीं था। उस समय जो गेम्स आप और हम खेलते थे वो फिजिकल और मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड होते थे और उन्हीं गेम्स की मदद से बच्चे अपने आसपास के लोगों और दुनिया को पहचानना सीखते थे। यहाँ तक कि कई गेम हमारे करियर को दिशा देने में भी मदद करते थे। लेकिन आजकल के जो खेल हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि इनको बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। अंश और वीरेन का रात रात भर जगकर इंटरनेट गेम्स खेलना इस बात की दस्तक थी कि वो इन गेम्स के अधीन हो चुके हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। यही बच्चे हमारे देश का भविष्य है। तो क्या आप और हम ऐसा भविष्य चाहते हैं? नहीं ना? तो हम सभी को पेरेंट्स होने के नाते बच्चों और अपने बीच के फासले को कम करना होगा, बच्चों से दोस्ती कर उनके अंतर्मन को समझना होगा और उन्हें पहले की तरह ही एक्टिव बनाना होगा, उन्हें बाहर खेलने कूदने का महत्व समझाना होगा। अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।